कॉमन बीएड एंट्रेंस टेस्ट पंजाब में जो अपियर होना चाहते हैं कैंडिडेट, और जो 20 जुलाई 2022 को जहां उससे पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं, वो अपना एडमिट कार्ड कम रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना जो भी लिंक है उसको लॉग इन करके। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि 21 जुलाई से लेके 26 जुलाई 2022 तक आप विद लेट फीस, अगर कोई कैंडिडेट फिल करना चाहता है, एक्स्ट्रा 1500 रुपीज जो है लेट फीस लगेगी, वो इस एग्जाम में अपियर हो सकता है। उनके एडमिट कार्ड बाद में दिए जाएंगे 26 के बाद। एडमिट कार्ड कम रोल नंबर स्लिप डाउन डाउनलोड कर दे हो तो ये प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। इसको प्रिंट करना है, बेसिक इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नाम है, या किस कोटे में आपने, किस रिजर्वेशन में अप्लाई किया है, कैटेगरी क्या है। मेन ये है, किसी भी अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन गलत होती है तो अभी घबराइए मत, चेंज करने के लिए अप्रोच मत अभी कीजिए। हाँ, ईमेल कर सकते हैं आप यूनिवर्सिटी को, लेकिन आपको फोकस करना होगा 31 जुलाई, जिस दिन आपका एग्जाम है। तो डेट दी गई है 31 जुलाई 2022, कोई एक्सटेंड नहीं है। डेट संडे है और 10:30 बजे आपका एग्जाम शुरू है, 1 बजे तक होगा, 2.5 घंटे का है। तो आपका रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटा पहले है, 9:30 पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सुबह AM पहुंचना होगा। और इन्फॉर्मेशन क्या है कि 10:15 बजे के बाद किसी भी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। सेकेंड है, थर्ड है, कैंडिडेट मस्ट कैरी हिज और हर एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड एडिशनल फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन लोअर पोर्शन ऑफ यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड। द कैंडिडेट विल हैंड ओवर दिस पोर्शन यूनिवर्सिटी कॉपी टू द इनविजिलेटर। इसको बहुत समझ लीजिए, यहां यह सीजर के निशान लगे हुए हैं ना, कैंची के निशान, इसको काट लेना है। तब आपने नहीं अभी काटना, आपने पूरा प्रिंट निकालना है। आपकी जो फोटो आपने अपलोड की थी वो इस पोर्शन पर, आप जो फोटो अपलोड की थी वही कलर्ड फोटो आप यहां पर पेस्ट करोगे। द प्लीज पेस्ट हियर ए कलर्ड फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, नेचुरली वही फोटो आपकी यहां पर प्रिंट भी होगी, वही मैच करनी चाहिए। अच्छा, ये पोर्शन यहां पर दो है कि कैंडिडेट सिग्नेचर, आपने अभी सिग्नेचर यहां नहीं करने, यहां पर आपने अभी सिग्नेचर नहीं करने। जब आप ये लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ इनविजिलेटर, इनविजिलेटर बोलते हैं जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर में रूम में एक टीचर है, वो सुपरविजन कर रहा है आपकी, तो उसकी प्रेजेंस में आपने सिग्नेचर करने हैं, वो आपके नजदीक आएंगे और तब सिग्नेचर करने हैं, और यहां पर वो टीचर इनविजिलेटर भी सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद ये स्लिप को काट के आपने उनको दे देना है, और ये स्लिप आपके पास रहेगी जो एडमिशन तक आपने अपने साथ रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने साइन यहां अभी नहीं करने, जब पेपर चल रहा होगा तब करने हैं, और यहां इनविजिलेटर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ। ओरिजिनल है, कौन सा हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका है वो ले जाइए, आधार कार्ड ओरिजिनल ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ओरिजिनल ले जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट अपना ले जा सकते हैं। मोस्ट वैसे सूटेबल है कि आप आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, इन तीनों में से चुनिए, क्योंकि दूसरे काफी इंपॉर्टेंट है, खो सकते हैं। कैंडिडेट कैन कैरी क्वेश्चन बुकलेट विद देम ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। जिनमें 150 क्वेश्चन हैं लिखे हुए, वो आप अपने साथ लेके वापस आ सकते हो, घर ले जा सकते हो, लेकिन जो 1 बजे के बाद जो टाइम पूरा हो जाएगा। द कैंडिडेट विल आल्सो प्रोवाइड ए कार्बन कॉपी, कैंडिडेट कॉपी ऑफ देयर OMR आंसर शीट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन किया, कौन सी ऑप्शन टिक की है। जब वो आंसर की देते हैं तो आप मैच कर सकते हैं कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक है, और अपनी कैलकुलेशन रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो। इसको थोड़ा उड़ा दूं, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा,
नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट फॉलो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट कोविड 19 गाइडलाइन, तो उनको फॉलो करना होगा। उसमें क्या है कि आपने मास्क लगा के रखना है, डिस्टेंस बना के रखना है, और अपना जो इसकी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि पानी वगैरह अगर बोतल हो एग्जामिनेशन सेंटर पे वो पारदर्शी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पानी अपना साथ लेके जा सकते हो। अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपने घर से कौन सा सामान और लेके जाना है, तैयारी कैसे करनी है, छोटा सा वीडियो का चेकलिस्ट के रूप में उसको जरूर किसी भी एग्जाम को देने से पहले वो चेकलिस्ट से चेक कर लेना चाहिए, क्या मैंने ये सभी चीजें जो जरूरी एग्जामिनेशन सेंटर से पहले बाद में जहां ड्यूरिंग चाहिए मैंने ले ली है। घबराना नहीं है, कुछ एक वीडियो बना रहा हूं कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, मिनिमम टाइम और एनर्जी लगा के कैसे मैक्सिमम स्कोर लेना है, और लॉजिकल गैस, साइकोलॉजिकल गैस और रैंडम गैस के लिए अलग अलग वीडियो हैं, उनको देख के आप अपनी घबराहट को कम कर सकते हो, कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो, स्कोर को बढ़ा सकते हो। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि आप सुपरमैन बन जाओगे, लेकिन परफॉर्मेंस बेटर होती है जब आप लर्निंग स्ट्रेटजी लर्न करते हो। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज। थैंक यू।